भारतीय महिला टीम हॉकी ने एक इतिहास रच दिया है 40 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर। और हम धनबाद में कुछ हॉकी खिलाड़ी हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ उत्साह दे रहे हैं और हमारे जो टीम है हॉकी टीम उनको किस तरह से चेयरअप करता है। अच्छा, आप बताइए पहले क्या उत्साह है आप लोग? उत्साह तो बहुत है, जैसे हमारे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन दे रही है, अपना अच्छा गेम खेल रही हैं। जैसे क्वार्टर फाइनल में उनने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। वैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, वो लास्ट 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उनको हरा करके वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, उत्साह है और आगे भी ये चाहते हैं कि सेमीफाइनल जो अर्जेंटीना के साथ है वो भी बहुत ही बेहतरीन टीम है, तो उन्हें भी पछाड़ करके फाइनल तक पहुंचे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेले। और अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से हमारा भारतीय महिला हॉकी टीम खेल रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे भारतीय हॉकी टीम 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो भाग ली हैं उसमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, तो सेमीफाइनल को अच्छी तरह रणनीति बनाकर अपना फाइनल में प्रवेश करें, यही मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, आप बताइए जिस तरह से संघर्ष कर रही थी महिला टीम, आज सेमीफाइनल पहुंची है, आप किस तरह से उनको चेयरअप करते हैं, किस तरह से जिस तरह से वो क्वार्टर फाइनल खेली है ऑस्ट्रेलिया के टीम से, हम चाहते हैं कि उससे भी अच्छा प्रदर्शन दे सेमीफाइनल में, अच्छा खेलें और वो जीत हासिल करें, ठीक है, और वो अपना भारत का वो नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेके आए यहाँ पे। जी, जिस तरह से हमारी भारतीय महिला टीम अभी सेमीफाइनल 40 साल बाद कर रही है, खेल रही है, तो आप लोग धनबाद से क्या कुछ उन लोग को संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला भारतीय हॉकी टीम 40 साल बाद जब पहुंची है, इसके लिए हम लोग सब खुशी की बात है। और अच्छा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेम क्वार्टर फाइनल खेली है उससे भी अच्छा खेले और सेमीफाइनल भी जीते और सेमीफाइनल जीत के गोल्ड मेडल लें। अच्छा, आप बताइए जिस तरह से हमारी महिला टीम है और उनको एक आप लोग जिस तरह से उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं और उत्साह बता रहे हैं, आप लोग किस तरह से उन लोगों को उत्साह कर रहे हैं और क्या कुछ उम्मीद करते हैं? महिलाओं की टीम अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छा खेल ही रहे, एक 40 साल के बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची है और जीत के आएगी। अच्छा, आप बताइए क्योंकि महिला टीम जिस तरह से अभी सेमीफाइनल खेलने वाली है, तो आप लोग किस तरह से उन लोग को चेयरअप करते हैं और आप तो एक हॉकी खिलाड़ी भी रही हैं, तो इस में आप क्या कहेंगे और क्या कुछ तरह से आप इसको फील कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वुमेन्स हॉकी टीम सेमीफाइनल खेली है और प्रेयर भी करते हैं आगे भी अच्छा खेले जीते, हम नहीं पूरा भारतवर्ष वुमेन्स हॉकी टीम के साथ है, हमें बहुत गर्व है इस बात की, पूरा भारत जश्न मना रहा है इस बात की, जिस तरह से धनबाद में उत्साह देखी जा रही है और इन लोगों का एकदम उम्मीद है कि भारतीय महिला टीम अब गोल्ड मेडल ही जीत कर लाएगी और हम भी आप लोग इस तरह से खेल रही है भारतीय टीम तो जरूर इसके अच्छे परिणाम आएंगे और जिस तरह से ये लोग चेयरअप करते हैं। अच्छा, आप लोग किस तरह से चेयरअप कर रहे हैं? चलते इंडिया, जोर से चलते इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से उत्साह है धनबाद की इन लड़कियों का जो धनबाद के रेलवे में अभी जॉब कर रही हैं और भारतीय टीम को पदक दिलाने के लिए जोरों से लगी हुई है। धनबाद से लाइव लगातार के लिए अर्जुन मंडल की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।